हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट सिक्स चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज बच्चों आप सिक्स चैप्टर करांगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहला आप पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव बीन सम ऑफ लैंडफॉर्म फीचर एज सोन इन द फिगर 6.1 बिलो। वो कहते तुसी धरती दे उपर अलग अलग तरह के फीचर, ठीक है, अलग अलग किस्म के तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तुसी फिगर 6.1 दे विच देख सकते हो। जिस तरह इस दे विच माउंटेन भी ने, माउंटेन रेंज ने, बेसन, हिल, प्लेन, ठीक है, रिवर, ट्रिब्यूटरी, प्लेट्यूज, इस तरह अलग अलग टाइप्स के इतने आपां नूं फीचर मिलते हैं अर्थ के उपर। ठीक है, यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ अर्थ विल नॉट सेम एवरीवेयर। तुसी नोटिस किया होगा भी धरती का जो सरफेस है उपरला धरातल है, ये हर जगह पर इको जहा नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इस तरह आपू हर तरह की धरती इको जी नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। द लिथोस्फेयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। जी लिथोस्फेयर है जो उपरी परत है, ठीक है, जिन्हों आप थलमंडल कह दें, ये कित उबड़ खाबड़ होगी, रगड होगी, या फिर कित सम फ्लैट या कित जगह पर हर पद्धर होगी। इस तरह ये हर जगह पर अलग अलग टाइप्स की आपू मिलेगी अर्थ की। एक नैक्सट है, इस डू यू नो देखते हैं, आ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर दैन द सराउंडिंग एरिया, जनरली स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर दैन 600 मीटर इज टर्म अ माउंटेन। देखो वो कहते एक सीधी उचाई वाली एक जो एरिया होंदा है जिसकी उचाई 600 मीटर तो अबव होंगी है, ठीक है, उसनों आप माउंटेन कह सकते हैं, पहाड़ी पहाड़ कह सकते हैं। ठीक है, नेम सम माउंटेन विद द हाइट ऑफ मोर दैन 8,000 मीटर। कुछ इदा दियाँ भी पहाड़ ने, ठीक है, जिन्हों की उचाई 8,000 मीटर तो अबव होंगी है, उन्होंने तो तुसी नाम याद रखने लाइक है। जिमें आप फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन रेंज ने, उस काफ़ी जो पहाड़ ने, ठीक है, जिद पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी उचाई हाइट बहुत ज़्यादा है, सब तो उच्ची है, वर्ल्ड की हाईएसट पीक है। ठीक है, इदा द कुछ होर भी पहाड़ ने, माउंटेन ने, जिन्हों की उचाई 8,000 मीटर तो अबव है, उन्होंने तुसी याद करने नाम। ठीक है, नैक्सट पढ़ते हैं, दीज लैंडफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसैस। जिहड़ियां इदां दियां लैंडफॉर्म ने, इन्हां दे दो तरह के प्रोसैस के करके बनदियां ने। ठीक है, इस दे विच की है, यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्लोली मूविंग। वो कहते तुहानू ये सुन के ये देख के जान के हैरानी होगी जिस तुसी ग्राउंड ते खड़े हो। ठीक है, ठीक है, वो हौली हौली स्लोली स्लोली की है मूविंग कर रहा। ठीक है, उस दे विच कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, विद इन द अर्थ आ कंटीन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सैवरल प्लेसिस। ठीक है, इदा दी जो मूवमेंट होंदियां ने, इन्हां नूं आपां जो धरती के अंदर मूवमेंट होंदी है उसनों आपां इंटरनल प्रोसैस कहिंदे आ। ठीक है, इस दे नाल कुछ अपलिफ्ट, कुछ चीज़ां उपर उठ जांदियां ने, कुछ नीचे चली जांदियां ने, ये अलग जगह थावां ते धरती ते अलग अलग थावां ते इदां दे कुछ ना कुछ प्रोसैस चलते रहिंदे ने। नैक्सट चलते हैं आपां, द सैकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसैस इज़ द कंटीन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। द सरफेस इज बींग लोडेड बाय द प्रोसैस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसैस ऑफ डिपोजिशन। देखो इस की आ जी सैकेंड प्रोसैस है, ठीक है, सैकेंड प्रोसैस का जो बिचो एक्सटरनल प्रोसैस कह सकते हैं आप, मतलब बाहरी प्रोसैस, बाहरी प्रक्रिया। ठीक है, जो मतलब एक तो आप पहला पढ़ के हटे भी धरती के अंदर कुछ मूवमेंट होंदिया ने, जिस दे नाल धरती के सरफेस के चेंजिस आते हैं, तब्दीलियाँ आदि ने। सैकेंड जो प्रोसैस है एक्सटरनल प्रोसैस है, जिस दे नाल ये भी कंटिन्यू चलती रही है, लगातार चलती रही है। इस दे नाल कुछ रिबिल्ड होंदा, कुछ वह लैंड सरफेस के उपर नवी चीज़ कोई बनती है, कोई मिट जाती है। ठीक है, इस तरह की जी चीज़ आ उसनों अरोजन कहने आप। ठीक है, कुछ जी अरोजन के आप कह सकते हैं कोई हवा पानी जो भी चीज़ा कुछ अपने नाल बहा के लै जाते धरती के सरफेस के उपरों, तो ठीक है, उस चीज़ को अरोजन कहने आप। फिर जिथे वो चीज़ा जाके जमा कर दें, रीबिल्ट कर दें, ठीक है, उसनों आप डिपोजिशन कहने।
मान लो एक जगह तो हवा या पानी अपने नाल मिट्टी कट के लैगी, जो भी चीज़ां कट के लैगी उसनू, ठीक है, उन्होंने उस उतों धरती का सरफेस चेंज करता, फिर वह जो भी अपने नाल जो भी चीज़ां नाल कैरी करके लैके जाएंगे जिस जगह पर वह जाके उसनू भर देंगे, उसनू आपां डिपोजिशन कहांगे, ठीक है। इस तरह जो प्रोसैस है ये एक्सटर्नल प्रोसैस के आते हैं। दीज टू प्रोसैस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन प्लेचिज एंड प्लेन। देखो इदां दे आपां, मैं पहले ही तुहानू एग्जाम्पल दस चुका भी ये जिहड़े प्रोसैस ने ज़्यादातर अपने नाल किवें हुंदे ने, रनिंग वाटर जो वगदा पानी है, ठीक है, वह इन्हां नू अपने नाल कुछ ना कुछ आइटम जो भी धरती के उपर मिलता तल के उपर सरफेस के उपर अपने नाल बहा के लैंदे। आइस आ, ठीक है, विंडस ने हवावां, ठीक है, अपने नाल कुछ ना कुछ चीज़ां चेंजेस कर दियां रहिंदियां धरती के सरफेस के उपर। इन्हां दी वजह दे नाल ही जिहड़े आपां बणदे आ एलीवेशन एंड स्लोप, ਉਚਾਈਆਂ ਜਾਂ ਢਲਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਲੈਟਿਊਸ ਪਠਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੇਜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ। ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੇ ਬੀ ਅ ਸਮਾਲ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਬਰੋਡ ਬੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਆਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੁਮਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਰੋਅ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰੋਅ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਮਾਲ ਸੁਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸੁਮਿਟ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬਰੋਡ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਚੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਬਲੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਸਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕਲਾਊਡਸ, ਐਜ ਯੂ ਗੋ ਹਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਿਕਮ ਕੋਲਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲਡਰ, ਬਿਕਮ ਕੋਲਡਰ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਸਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਆਫ ਆਈਸ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਦੇ ਆਰ ਸਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਐਸ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਸ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਲੈਸ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ ਸੈਂਸ ਦਾ ਸਲੋਪ ਸਟੀਪ ਲੈਸ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੋਰ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਆਫ ਆਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਜੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੇ, ਕੁਛ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਸ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਸ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਲੋਪ ਆਰ ਸਟੀਪ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਸ ਲੈਂਡ
इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। इत्थे जिहड़ी फार्मिंग दे लई एग्रीकल्चर दे लई खेतीबाड़ी दे लई जिहड़ी जमीन आ उह बहुत घट हुंदी आ, ठीक है, तां करके इत्थे जिहड़े लोक की आ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। नैक्सट चलते हैं, माउंटेन रेंज मे बी अरेंज इन आ लाइन नोन एज रेंज। कोई भी पहाड़ा की एक लड़ी, ठीक है, जो एक लाइन दे विच अगे चलती हो 100 किलोमीटर तो भी अबव फैली हो उसनों आपां माउंटेन रेंज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इदा आपां कोई ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उस दे विच इदा आपां फिगर ड्रॉ करते हैं, पहाड़ बनाने, इदा जो पहाड़ा की एक चेन है, लड़ी है, उसनों आपां माउंटेन रेंज कह दें सारी नूं, ठीक है। इदा दी जिहड़ी रेंजेस ने उस दे विच हिमालय दे विच भी है, ठीक है, द हिमालय एल्प्स हो एंडीज माउंटेन रेंजेस ने जिहड़ी कि रिस्पैक्टिवली हिमालय माउंटेन जो पहाड़ ने वो हैगे ने एशिया दे विच, एल्प्स कित्थे ने यूरोप दे विच, ते एंडीज जिहड़े माउंटेन रेंज ने पहाड़ां दी एक लड़ी है वो है साउथ अमेरिका दे विच, ठीक है। इस तों इलावा आपां एक डूजू नो दे विच चैक करते हैं, मौनाकिया एक हवाई नाँ दे प्लेस जो जगह है जो कि पैसिफिक ओशन दे विच है, अंडर सी माउंटेन है, मतलब पानी के अंदर एक सागर के अंदर पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 10,255 है, ठीक है, जिहड़ी कि माउंट एवरेस्ट तो भी उच्ची है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 meters, ठीक है। नैक्सट चलते हैं अपना, देयर आर 3 types ऑफ माउंटेन, पहाड़ा दी है, ठीक है, 3 किस्म ने, 3 types ने, जिस दे विच फोल्ड माउंटेन हो गए, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन ते वॉलकैनिक माउंटेन। पहला आपां फोल्ड माउंटेन दे बारे जाणांगे। हिमालयन जिहड़े माउंटेन ने वह एल्प्स ने वह यंग फोल्ड माउंटेन ने, ठीक है, जिन्हां दे की आ रगड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स ने, जिन्हां दीआं की ने जिहड़ा कि सरफेस की आ जां पहाड़ की उबड़ खाबड़ ने, ते जिन्हां दीआं चोटियां ने पीक्स ने कॉनिकल ने, मतलब इस तरह दीआं हाई कॉनिकल पीक्स ने, इदां दीआं जो इदां फिगर दे विच तुहानू दिखाई दे रहा, इस तरह दी इन्हां दीआं उचाई दे विच चोटियां हुंदियां ने फोल्ड माउंटेन दीआं। फॉर एग्जाम्पल आपां देख चुके हैं उहदे विच हिमालय ते एल्प्स दे ने, ये यंग फोल्ड माउंटेन ने, ठीक है। इस तों इलावा फिर गल करते हैं द अरावली रेंजेस। द अरावली रेंजेस इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू प्रोसैस ऑफ इरोजन। आप इरोजन बारे पहले भी पढ़िया, इरोजन का मतलब होंगे कोई, ठीक है, एक जगह तो चीज़ को हवा के द्वारा, पानी द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा एक जगह तो चीज़ को उठा के किसी होर जगह पर लै जाना। जिहड़े अरावली माउंटेन रेंज ने, ठीक है, अरावली पहाड़ ने इंडिया के ओल्ड ने, सब तो पुराने फोल्ड माउंटेन ने, ठीक है, जो हिमालय है वह यंग फोल्ड ने। इदा तुसी याद रखना भी यंग फोल्ड माउंटेन केड़े ने ते ओल्ड फोल्ड माउंटेन केड़े ने, ठीक है। द रेंज कंसिडरेबली, वो कहते जिहड़ी आह रेंज ने पहाड़ ने ये हौली हौली, ठीक है, इरोजन दे करके हौली हौली इन्हां दा कटाव हो गया, हौली हौली इन्हां दी जिहड़ी चोटियां ने उचाइयां ने इदां दी, ठीक है, हौली हौली हवा दे करके वह बैंड हो गई, थोड़ी गोल शेप दे विच हो गई। इस तरह ही अपालाचियन, ठीक है, जिहड़ी माउंटेन रेंज ने नॉर्थ अमेरिका दे विच, वह भी इदां हौली हौली करके उन्हां दी उचाई घट गई, क्योंकि काफ़ी पुराने ने, हवा ने इस चीज़ इन्हां दी जिहड़ी चोटियां नूं हौली हौली शेप उन्हां दी राउंड दे विच कर दिता। नैक्सट चलते हैं आपां ब्लॉक माउंटेन दे विच। ब्लॉक माउंटेन की होंदे ने, इत्थे तुसी एक फिगर जो 6.3 दे विच तुसी देख रहे हो, ठीक है, कोई एक सीधी जगह आपां पढ़िया है भी धरती दे विच मूवमेंट होंदी रहिंदी है, ठीक है, इंटरनल मूवमेंट, जिस दे नाल की आ इसदे सरफेस दे उपर जदों मूवमेंट होंदी आ वो की है, कुछ हिस्सा उसका उपर उठ जाता है, कुछ नीचे, ठीक है, इस फिगर की तरह जो उपर हिस्सा रह जाता उसनों हॉर्स कहने, जो नीचे वाला हिस्सा होंगे उसनों ग्रैबिन कहने, ठीक है, इस तरह के जिहड़े हैगे ने हॉर्स ते ग्रैबिन कहने। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े इदा दे ब्लॉक माउंटेन आपां नूं मिलते हैं, एक तो राइन वैली है, ठीक है, उत्थे इदा दे पहाड़ मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन, तो एक बॉस्केस माउंटेन ने यूरोप के, ठीक है, ये इन्हां दी ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल ने। इन्हों तो याद रखना भी ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल कि है, रायन वैली के बॉस्केस माउंटेन जे यूरोप के एग्जाम्पल सच माउंटेन सिस्टम। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप एंड एटलस फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ
दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तुसी अपने एटलस से या मैप तो इदा दे होर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन कितने पाए जाते हैं। नैक्सट आप चलते हैं वोलकैनिक माउंटेन के वल। वोलकैनिक माउंटेन है, वोलकैनिक माउंटेन आर फॉर्मड ड्यू टू वोलकैनिक एक्टिविटी। जिहड़े भी जिहड़े वोलकैनिक मतलब ज्वालामुखी पहाड़ जिन्हां नूं आपां कह सकदे हां ज्वालामुखी जदों कोई फटदे ने उहनां दे दौरान जिहड़े पहाड़ बनदे ने उहनां नूं आपां वोलकैनिक माउंटेन कह दिंदे हां। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका दे विच, माउंट फुजियामा ठीक है जापान दे विच, ये दो एग्जाम्पल ने ठीक है वोलकैनिक माउंटेन दियां। फिर अगे आप चलते हैं, अगे चलते हैं जिमें कि आप जानते हैं माउंटेन आर वैरी यूजफुल। जोड़े माउंटेन ने पहाड़ ने साढ़े काफ़ी यूजफुल ने, यह की ने स्टोर हाउस ने वॉटर का ठीक है। इस तो इलावा इन्हों तो सू जो ग्लेशियर ने इन्होंने पहाड़ों उपर माउंटेन्स उपर ग्लेशियर मिलते हैं जेडे कि जिन्हों तो मैनी रिवरस कई जो दरियावान रिवर पानी मिलता है ठीक है। तो इस तो इलावा जोड़े माउंटेन ने ठीक है यह इरीगेशन के लिए इन्हों जो माउंटेन्स जो भी रिवर निकलते जिन्हों का पानी की आप वरतों इरीगेशन करते हैं या हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी करते हैं। जोड़े रिवर वैलीज़ ने इन्होंने आप जो कि एक बहुत वधिया खेतीबाड़ी के लिए बहुत वधिया मन्ने गए इलाके ने ठीक है रिवर वैली। तो इस तो इलावा माउंटेन हैव रिच वरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जिहड़े माउंटेन ने पहाड़ों के सानू बहुत ज़्यादा वरायटीज़ के जीव या बनस्पतियाँ मिलदियां ने। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर सेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट ठीक है। इस तो इलावा जो फॉरेस्ट ने वो सानू काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं बालन के लिए, पशुओं के चारे लिए, आसरा हो गया पशुओं के जानवरों के लिए ठीक है। इस तरह के माउंटेन प्रोवाइड एन एडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। जोड़े माउंटेन ने पहाड़ ने लोगों के लिए जो टूरिस्ट ने यात्री ने आप भी कई बार कहने कोई हिल स्टेशन के वल जा माउंटेन्स के वल जाइए क्योंकि उस जोड़े सुंदर दृश्य ने ठीक है साइट्स ने उन्होंने देखने लिए लोग जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं। तो कई तरह के गेम्स ने स्पोर्ट्स ने लाइक पैराग्लाइडिंग हो गए ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, स्कीइंग एंड पॉपुलर इन द माउंटेन ठीक है। इदा के जो गेम्स ने स्पोर्ट्स ने इन्हों खेलन दे रही ठीक है उत्थे कई टूरिस्ट जाते हैं। हिमालयाज एसोसिएटर कैन यू नेम सम प्लेसिस इन द हिमालया एसोसिएटड विद दीज स्पोर्ट्स। कुछ तुम इदा द्लेसिज का नाम लै सकते हो जानते हो जो कि इदा के स्पोर्ट्स के नाल जुड़े हो हिमालयन माउंटेन के ठीक है। इन्हें फिगर के वोलकैनिक माउंटेन देख सकते हो, फिर किमें वोलकैनिक मैगमा बिल्डअप हेयर अंडर अनॉर्मस प्रेसर ठीक है, किमें वह मैगमा बहर आता एक लावा के थ्रू ठीक है। फिर कैन यू नेम दिस स्पोर्ट्स, इस स्पोर्ट्स का नाम दसना तुम ठीक है। इस तरह ये सारे अपन जो भी कुछ माउंटेन काफ़ी यूजफुल ने साडे लई, काफ़ी स्टोर हाउस ने ठीक है, वाटर का मिनरल्स का कई काफ़ी कुछ सानू माउंटेन्स तो मिलता है। नैक्सट आप पढ़ते हैं प्लेट्यूस। प्लेट्यूस की होंगे ने, पहला आप माउंटेन किए हैं प्लेट्यूस होंगे पठार ठीक है। इस दे बारे आप पढ़ांगे। प्लेट्यू कैन इज़ एन एलीवेटड फ्लैट लैंड। एक ऊंचाई ते जो प्लेट्यू एक एलीवेटड फ्लैट लैंड होंगी है। मान लो आप देखो पहला माउंटेन की शेप किदा बनाई सी ठीक है, जिसका समॉल समिट सीगा ते ब्रॉड बेस सीगा, पर जो पठार ने प्लेट्यूज ने एक टेबल की तरह होंगे ने ठीक है। इन्हां दी एक ऊंचाई होंगी है ठीक है, एक ऊंचाई होंगी है पर ये ज़्यादा उच्चे भी नहीं होंगे ठीक है। ऊंचाई होंगी पर उपरों ये जो सरफेस इसका ये फ्लैट होंगे है ठीक है, जिमें तुसी फिगर 6.5 दे विच देख रहे हो ठीक है। इस तरह की जिहड़ी शेप वाले एरियाज होंगे इन्होंने आप प्लेट्यू कहने ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, मतलब आस पास के इलाके के उपर एक उच्ची जगह होंगी है जिसे एक टेबल की शेप, जिमें आप टेबल देखते हैं टेबल अपना जो फ्लोर हों फर्श हों घर ठीक है उस तो उच्चा हों, उस तरह ही सेम ठीक है प्लेट्यू होंगे ने ठीक है। आस पास के इलाके उच्चे ठीक है, उपर तो फ्लैट, इन्हों की कोई भी समॉल समिट नहीं होंगी माउंटेन की तरह, कॉनिकल पीक्स नहीं होंगे फ्लैट होंगे ने। नैक्सट आप चलते हैं, आ प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सैवरल थाउजेंड मीटर। जिते प्लेट्यूज की हाइट
काफ़ी अलग अलग जगह पर ठीक है वैरी करती है, अलग अलग हो सकती है, जिमें कुछ जगह पर तो 100 मीटर उच्चे हो सकते हैं, कुछ जगह पर यह 1000 मीटर उच्चे हो सकते हैं। ठीक है, वो आप अगे जाके एग्जाम्पल देखा। प्लेट्यू लाइक माउंटेन मे बी यंग और ओल्ड, वो केंद्र जेडे प्लेट्यू ने यह यंग ते ओल्ड हो सकते, जिमें आप पहला माउंटेन बारे पढ़िया भी यंग माउंटेन कहड़े से हिमालयन, ठीक है, फिर ओल्ड माउंटेन जो आप पढ़े ने इंडिया दे विच अरावली माउंटेन। ठीक है, इस तरह जिहड़े प्लेट्यूज़ ने पठार ने यह भी ओल्ड एंड यंग हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया वन ऑफ ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़, ठीक है, जिहड़ा इंडिया दे विच डेक्कन दखन का पठार है। ठीक है, यही इंडिया दे विच सब तो पुराना मनिया जाता है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया तंजानिया एंड युगांडा एंड द वैसटर्न प्लेट्यू ऑफ आस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। इस तो इलावा वो कहिंदे ईस्ट अफ्रीका दे विच जो कीनिया का पठार है, ठीक है, तंजानिया का, युगांडा का, आस्ट्रेलिया का, यह उदाहरण ने, एग्जाम्पल ने इदा दे पठारां दे प्लेट्यूस दे जिहड़े कि ओल्ड ने। नैक्सट चलते आपां तिब्बत दा, तिब्बत प्लेट्यू फिगर 1.5.1, ठीक है, पेज नंबर 31 ते, इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 4000 to 6000 meters अबव द मीन ऑफ मीन सी लेवल। देखो आप पहला कह चुके हैं भी जिहड़े प्लेट्यूज़ ने 100 मीटर तो लैके 1000 मीटर तक अबव उच्चे हो सकते, हाइट हो सकती है इन्हों की। फॉर एग्जाम्पल इन्हों की जो हाइट है तिब्बत का आप पठार कह सकते हैं, तिब्बत प्लेट्यू कह सकते हैं, ठीक है, इसकी हाइट 4000 to 6000 meters तक है, मीन सी लैवल समुद्र तल तो। ठीक है, प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। जेडे प्लेट्यू काफ़ी यूजफुल ने साडे लई क्योंकि आह बहुत ज़्यादा मिनरल्स इन्हां दे विच पाए जाते, काफ़ी मिनरल्स इन्हां दे विच दबे हुए होंदे ने, एज रिजल्ट जिहड़ियां भी माइनिंग एरिया ने जिथों भी माइनिंग करके इन्हां नूं मिनरल्स नूं आपां कढ़दे ने, ठीक है, वो काफ़ी जिहड़े वर्ल्ड दे विच लोकेटेड किते ने, वो इन्हां प्लेट्यू एरिया दे नेड़े ही लोकेटेड ने जिथों भी कुछ भी मिनरल्स आह निकालदे आ। नैक्सट जेकर आपां अफ्रीकन प्लेट्यू की गल करिए, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए फेमस ने। इंडिया दे विच भी, इंडियन दे विच जिहड़े भी अपने प्लेट्यूज़ ने उन्हां विच कोल, आयरन, मैगनीज, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू दे मिलते ने। ठीक है, नैक्सट है इस दे विच जिहड़े प्लेट्यू इन इन द प्लेट्यू एरिया, ठीक है, इत्थे जिहड़े प्लेट्यू एरिया ने इन्हां दे विच काफ़ी वाटरफॉल, ठीक है, मिलते ने, वाटरफॉल जिहड़े मतलब कि इत्थे फेमस ने, हिंडरू फॉल ने छोटा नागपुर दे विच, एक सुबरनेखा एंड जोग फॉल कर्नाटका दे विच, इदां दे इन्हां दे एग्जाम्पल ने, ठीक है, वाटरफॉल जो इन्हां प्लेट्यूज़ दे विच मिलते ने। जिहड़े प्लेट्यू ने ये काफ़ी रिच ने, ठीक है, ब्लैक सॉयल दे लई काली मिट्टी इत्थे ज़्यादातर पाई जाती जो कि काफ़ी फर्टाइल आ, ठीक है, कल्टीवेशन दे लई। इस तो इलावा मैनी प्लेट्यू हैव स्कैनिंग स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, तो जिहड़े भी कोई भी टूरिस्ट आते हैं उन्होंने काफ़ी वधिया फेमस साइट ने, स्पॉट ने, इतने घूमन फिरन दे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे आ भी असी इस जगह पर जाके, इस प्लेट्यू पर जाके, जां इस जिहड़े वाटरफॉल आ इन्हां नूं जाके वेखिए। नैक्सट अपना है जो टॉपिक प्लेन्स, हुण आपां प्लेन्स दे बारे डिस्कस करांगे। प्लेन्स की होंदे ने, प्लेन्स होंदे आपां पंजाबी दे विच इन्हां नूं मैदान भी कह दिंदे आ, ठीक है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रैच ऑफ फ्लैट लैंड, जिहड़े प्लेन्स ने उह इक वड्डे स्ट्रैच फैले हुए इलाके ने जिहड़े कि फ्लैट होंदे ने, ठीक है, कोई प्लेट्यू जां फिर माउंटेन दी तरह नहीं होंदे, इह फ्लैट होंदे ने, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। नैक्सट इहदे विच की आ, इन्हां दी जिहड़ी उचाई आ, ठीक है, 200 मीटर अबव होंदी आ, मीनस सी लैवल तो, ठीक है, समुंदर तल तो इन्हां दी उचाई लगभग 200 मीटर उच्ची हो सकती है। कई जिहड़े हैगे ने कुछ प्लेन्स ने वो 200 मीटर तो भी अबव उच्चे हो सकते हैं, ठीक है। प्लेन्स मतलब जिवें लाइक दैट पंजाब, हरियाणा,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਫੋਰਮਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਸਟ ਪਲੇਨ ਆ ਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਅਰੋਡਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਪਲੇਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰਟਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਰਟਾਈਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਥਿਕਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਰੇਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪਲੇਟਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਂਗਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਲੇਨਸ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਆ ਹਿਊਮਨ ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਫਰਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਇੱਥੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਰਟਾਈਲ ਆ, ਉਪਜਾਊ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਟਿਕ ਪਲੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਗੈਂਗਟਿਕ ਪਲੈਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੋ ਗੈਂਗਟਿਕ ਪਲੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਰੇਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਰਟਾਈਲ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਫੋਰਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਲੈਂਡਫੋਰਮ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਂਡਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਇਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਪੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਗਰੋ ਕਰੋਪਸ, ਬਿਲਡ ਹਾਊਸ ਔਰ ਰੋਡ ਪਲੇਨ ਦੈਨ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਾਤਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
प्लेन इलाके दे विच ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम होंदा है, ज़्यादातर रोड वगैरह आसानी दे नाल विछा सकते हैं। ठीक है, नैक्सट कुछ डिजास्टर का सामना करना पैंदा आपां नूं। डिजास्टर मतलब कुदरती आफतां जिस दे विच अर्थक्वेक ने, ठीक है, वोलकैनिक एरप्शन होगी, फ्लड हो गए, स्टॉर्म हो गए, यह अपन वाइड स्प्रैड डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब बहुत बड़े पद्धर से अपना नुकसान करते हैं। नुकसान दो तरह का भी हो सकता, अपना एक जानी मतलब लोगों दान चली जाएँ, तो दूसरा उन्हों का माली नुकसान मतलब उन्होंने पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ों तो अपन अवेयरनैस अबाउट द इंसीडेंस वी मे लोअर द रिस्क, इन्होंने आप करना इंसीडेंस इन्ह तो बचने के लिए अपन कुछ कर तो नहीं सकते, पर आप अवेयर होना चाहिए भी जो भी आ चीज़ा घटन तो उन्होंने आप किमें अपनी जान वगैरह बचानी है। ठीक है, यू मे फाइंड आउट दैम फ्रॉम यूर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वे वी यूज द लैंड एंड वाटर। वो कहते तुम अपने आस पास के इलाकों में देखो तुम लैंड वाटर की वरतों किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, असी जी लैंड इसकी वरतों की आ वेस्टफुल मैनर के नाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, जिड़े भी आप उपजाऊ भूमि है फर्टाइल लैंड है उसते आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हाउस बना रहे, अपने मकान बना रहे हैं। ठीक है, इस तो इलावा वी थ्रो गारबेज ऑन लैंड वाटर मेकिंग दैम डर्टी, वी शुड अवॉयड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलैस मैनर। जिहड़े भी सानू कुदरत तों इदां दे गिफ्ट मिले ने, तोहफे मिले ने, असीं उन्हां दी वरतों बहुत केयरलैस होके कर रहे हैं, केयरलैस मैनर दे नाल कर रहे हैं। ठीक है, सानू इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर अस, जिहड़ी लैंड सानू मिली हुई है, धरती जगह मिली हुई है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बैटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज, यह साड़ी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता भी जो सानू मिलिया है नेचर तो गिफ्ट मिले ने उन्होंने असी संभाल करिए, तो साढ़े आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा के रखिए। ठीक है, इस तो आपको लैसन एक मैसेज मिलता है। ठीक है, जो भी सानू कुदरत ने गिफ्ट दिते ने उन्होंने आप इस तरीके वरतीए भी उन्होंने असी पल्यूट ना करिए, तो साड़ी जी आने वाली जनरेशन आ उसू ये सारा कुछ आप गिफ्ट के तौर पर दे सकी, ना कि उसू आप यह आप पोल्यूशन के तौर पर देिए। एक दूजे नौ दे विच स्वच्छ भारत मिशन कुछ चलाया जाता अपने। ठीक है, इस मिशन के अंडर की किया जाता है भी कोई भी जिहड़ा आप कूड़ा करकड़ा कोई भी रिवर ने कुछ भी अपने सराउंडिंग कूड़ा करकड़ा जिसने पोल्यूशन बढ़ता उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है इस मिशन के अंडर। ठीक है, हुण नैक्सट जो पिक्चर ने तुसीं इन्हां नूं फाइंड आउट करना, फर्स्ट जो पिक्चर डिस्प्ले है ये की लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ फोटो। मैं तुहानू फस्ट दा दस देना भी फस्ट फोटो की आपनू किसना रिलेटेड है डेजर्ट दे नाल, सैकेंड तुसी दसना। ठीक है, इदां तुसी सारे नू फाइंड आउट करना। नैक्सट अपनी जो एक्सरसाइज है वो तुहानू मैं रिटन दे विच PDF वगैरह सेंड कर देंगा। मेरी कोशिश इदां दी रहेगी भी नैक्सट टाइम भी आप होर भी वधिया तरीके नाल तुहानू पढ़ा सकीए। थैंक्स।